नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। देश के अमेठी जिले से है खबर, जहां पर रोड नंबर 4 पर प्रियंका गांधी के आह्वान पर प्रतिज्ञा यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। आपको बताते चले, प्रतिज्ञा यात्रा में प्रमोद तिवारी ने सभा को संबोधित कर किया। वहीं पर MLC दीपक सिंह ने कहा, प्रदेश व देश का विकास कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। विजय पासी ने कहा, प्रदेश में सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40% हिस्सेदारी रहेगी। पूर्व विधायक राधेश्याम धोबी ने सरकार को झूठी सरकार बताया। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ममता पांडे ने कहा, इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता खुर्शीद अजीज ने भी जमकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। इस मौके पर हाजी इसरार जीशान रेहान, संजय पासी, राजेश पासी, सजीवन हादी, रुखसार अयूब बैग व तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमेठी से कैमरामैन के साथ सचिन की खास रिपोर्ट। ठाकुर साहब मैं अपना संबोधन करके कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।